अरे दोस्तों, आज रील मैथ क्लासेस में आपको स्वागत है। आज का टॉपिक है वॉल्यूम। वॉल्यूम से रिलेटेड आज एक नया टॉपिक फिर लेकर आपके सामने आया हूँ। आज का टॉपिक नाम है गोला। गोला स्फीयर, जिस पे आधारित आपके प्रश्न कुछ बताते हैं। आज आपको प्रश्न बताने से पहले आपको हम इसके जो फॉर्मूले हैं उसको बताएँगे। उसी के आधार पर ये जो जितने भी प्रश्न हम बताएँगे वो सब सोल्यूशन होगा। और ऐसे बताने से पहले आपको फिर से रिमाइंड करवाना चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अब चलते हैं, चलिए इसके फार्मूले के बारे में आपको बताते हैं। इसका फार्मूला क्या है और जो फार्मूले आपको बता रहे हैं उसको ज़रूर आप नोट कीजिए। चलिए ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। गोला, ठीक है, गोला के इंग्लिश बोलते हैं स्फीयर। स्फीयर गोला का जो साइन होता है, गोला का साइन आपको बता देते हैं। इस टाइप का होता है गोलाकार, ठीक है, ये गोला हो गया आपका, ठीक है। गोला को बताने से पहले इसका एक फार्मूला होती है। पहला फार्मूला क्या होता है इसका, गोला का पहला फार्मूला क्या है? गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या करते हैं, गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या फॉर्मूला होता है, 4πr² स्क्वायर, इसका ही सेंटर है, इसका ही आर हो जाता है, ठीक है, तो 4πr², ठीक। फिर गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन, गोले का आयतन कहता है 4/3πr, πr³, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन इसका होता है कि गोले का कोषायतन, कोषायतन क्या होता है, जैसे कि दो गोला दिया हुआ, ठीक है, एक बड़ा सा गोला है, ठीक, इस टाइप का, और इसके अंदर एक छोटा सा गोला दिया हुआ है, तो इस टाइप का अगर दे दे क्वेश्चन तो इसको सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये जो खाली जगह है ना, इसको कोष आयतन बोलते हैं, इसको गोलीय कोष बोलते हैं, मतलब कि जिसको होल बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये हो गया, तो ये छोटा का रेडियस ये हो गया और बड़ा का रेडियस ये हो गया, ठीक। तो क्या होता है फॉर्मूला इसका, गोलीय कोष, गोलीय कोष का आयतन निकालते हैं तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 4/3π × R, कैपिटल आर का क्यूब हो जाएगा माइनस स्मॉल आर का क्यूब, ठीक है। ये आपका कोशीय गोल का आयतन होगा, ठीक है, जो इसको होल के बारे में निकालते हैं। डी में आपका क्या होगा, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, तो अर्धगोला कैसा होता है देखिए, अर्धगोला बनाने से पहले बताते हैं, इस टाइप का, पहले इसे ऐसे बना लीजिए, इस टाइप का बना लीजिए, ठीक है, और इसको गोले पीछे से इसे ऐसे कर लीजिए, और इस टाइप का ये अर्धगोला आपका हो गया। तो अर्धगोले का आयतन क्या होगा, अर्धगोले का आयतन फॉर्मूला होता है आयतन बराबर 2/3πr³, ठीक है। अब इसी प्रकार फिर क्या करते हैं, अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे, अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है 3πr², इस संपूर्ण पृष्ठ अर्ध गोले का, जो कि हमेशा एग्जाम में आता है कि अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या है ना, तो ध्यान में रखते हुए इसको याद कर लें। फिर क्या बोलता है, एफ में चलते हैं, एफ में क्या, समतल प्रक्षेद की त्रिज्या बोलेगा तो कैसे निकालेंगे, समतल परिच्छेद की त्रिज्या, ठीक है, किस निकालेंगे, देखिए रूट
आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है दोस्तों। आज का ये फॉर्मूला यहाँ पे ख़त्म होती है। अब चलते हैं आपको हम इसका जो प्रश्न जो था उस प्रश्न को इस फॉर्मूले के आधार पे सॉल्यूशन करते हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न है, एक ठोस गोलार्ध के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल 1848 वर्ग सेंटीमीटर है, तदनुसार पाई इक्वल टू 4/22/7 पाई का वैल्यू दिया हुआ है, के आधार पर उस गोलार्ध का व्यास कितना होगा। तो गोलार्ध का व्यास पूछ रहा है, ठीक है। तो हम पहले क्या करें, इसका रेडियस निकालेंगे। तो क्या होता है, ठोस गोलार्ध का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है, ठोस गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ, 1848 दिया हुआ, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो गोलार्ध पूछा, इसमें ठोस गोलार्ध पूछ दिया, अर्ध गोलार्ध के बारे में बोल रहा है, ठीक है। इसका फॉर्मूला था 3πr² इजकल टू 1848, ठीक है। इसको हम सोल्यूशन करते हैं, 3π का मान वैल्यू पुट करते हैं 22/7 r² इजकल टू 1848। अब देखिए कोशिश कीजिए कि ये यहीं पर कट जाए, कितने बार में कटेगा, 11 2 22 11 में 1 बचेगा कितना, 7 6 66 फिर बचेगा 8 11 88 168 बार में कट गया। देखिए अब क्या करते हैं, 3 बार में काटते हैं, कितना में कटेगा, पतिया 15 1 बचेगा तो 18 हो गया, 36 18, ठीक है। 2 बचा 2 से काटते हैं इसको, 28 2 56 कितना आया, r² = 28×7, ठीक है। अब इसको r का हम वैल्यू निकालेंगे तो इस पर रूट हो जाएगा, तो कितना, 7×4×4 इसका होगा, 7 1 निकल जाए, 1 2 निकल जाए, 7 2 14 14 सेंटीमीटर हमारा इसका रेडियस निकल गया। तो क्या पूछ रहा था, गोलार्ध का व्यास, तो व्यास इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, आपको बताए थे, हर एक चीज़ बताते आ रहे, तो 2r होता है, मान कि रेडियस का दोगुना, तो 2r, 2 का 2 और वैल्यू r का कितना है, 14 आया है, 14 इसको मल्टीप्लाई 14 2 28 28 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया, इसका अर्ध गोलार्ध का हमारा व्यास आ गया, जो कि बी नंबर ऑप्शन में हमारा आंसर किया होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं, उसको आप ध्यान से पढ़िए देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि दो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 हो तो उसका आयतनों का अनुपात क्या होगा। देखिए सीधे आपको बताते हैं इसको, इसका क्या होता है फॉर्मूला, कि अगर गोले का त्रिज्या का अनुपात है ना इक्वल टू होता है पृष्ठ क्षेत्रफल के अनुपातों का वर्गमूल, मतलब जो दिया हुआ है उसका वर्गमूल के इक्वल के बराबर होता है। तो क्या करते हैं, गोले की त्रिज्या का अनुपात इक्वल टू देता है पृष्ठ क्षेत्रफलों का के अनुपातों का वर्गमूल, उसके इक्वल के बराबर होता है। तो क्या करते हैं, इसका निकालते हैं, तो हमारा क्षेत्रफल कितना दिया था, 4:4:9 ये दोनों को वर्गमूल हो जाएगा सीधे, तो कितना गया, 2:3, ये हमारा त्रिज्याओं का अनुपात निकला। तो अब आयतनों का अनुपात निकालते हैं, तो देखिए गोले का जो होता है, गोले के आयतनों के अनुपात इक्वल टू होता है त्रिज्या के अनुपात का घनमूल, त्रिज्याओं के अनुपात का घनमूल। देखिए स्क्वायर में जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो रेडियस का स्क्वायर होता है, वही है अगर हम आयतन निकालते हैं तो रेडियस का क्यूब होता है, तो इसलिए बोल रहा है घनमूल। तो हम सीधे क्या करें, 2 का क्यूब कर देंगे और 3 का क्यूब कर देंगे, ठीक है। से 3 4 4 2 8 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब 27 होता है, तो ये हमारा ही डायरेक्ट आंसर आ गया। तो इस जो हम बताएं इस पे थोड़ा सा आप केयर कीजिएगा, इसको बहुत ही शॉर्ट, जो कि आपको नहीं, आपको क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना आयतनों को, जो कि लंबा लिफाफा हो जाएगा, इसलिए ना
आप इस चीज़ को याद रखें, जो कि 8 और 27 है, सी नंबर हमारा ऑप्शन होगा। दोस्तों आज का तीसरा क्वेश्चन क्या है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु का गोला पिघलाकर 3 छोटे गोले बनाए गए हैं। यदि 2 छोटे गोले की त्रिज्या 6 और 8 सेंटीमीटर हो तो तीसरे गोले की त्रिज्या कितनी होगी। देखिए क्या करें, एक बड़ा गोला है, अब इसी गोले को पिघलाकर 3 गोले बनाते हैं, जिसका 2 का त्रिज्या दिया हुआ 6 और 8 और तीसरे का त्रिज्या नहीं दिया, तो क्या तीसरे गोले का त्रिज्या मान लेते हैं, तो तीसरे गोले की त्रिज्या x मान लेते हैं, ठीक है। तो गोले का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 πr³, ये कैपिटल R इसको दे देते हैं, इसको तो क्या करते हैं, 3 गोला है तो 3 गोले का फॉर्मूला लिख लीजिए, 4/3 πr³ पहला, दूसरा 4/3 πr³, 4/3 πr³, ठीक है। तो R1, R3, R2, R3 मान लीजिए, ठीक है, जिनको है हमारा। देखिए इसमें क्या करते हैं, 4/3 है पाई आर क्यू इजकल टू, इसमें क्या करते हैं हम, 4/3 4/3 πr² कॉमन लेते हैं, 4/3 4/3 πr² कॉमन ले लिए तो बचा कितना, R1 q + R2 q + R3 q, इतना बचा। देखिए इससे एक कट गया बराबर में, तो जब एक कट गया तो अब देखिए कैपिटल R है, कैपिटल R का हम वैल्यू पुट करते हैं 12 पुट किए, उसके बाद R1 का वैल्यू 6 है, 6 का q + 8 का q, और R3 का वैल्यू कितना, x मानते हैं, x का q मान लेते हैं। देखिए 12 का जो होता है इसका स्क्वायर क्यूब होता है 1728, आपको याद करना पड़ेगा। 6 का वर्ग क्यूब होता है 216, और 8 का होता है 512 एक्स का क्यूब। अब क्या करना है, ये दोनों को जोड़ के इसमें से घटा देंगे, ठीक है। तो एक्स की यूज क्या हो जाएगा, 1728 माइनस, जोड़ेंगे दोनों को तो कितना हो जाएगा, 827, ठीक है ना। तो एक्स क्यूब कितना आ जाएगा, 1000, घटाएंगे तो 1000 हमारा आ जाएगा 728, और 1728 घट जाएगा तो 1000 आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो एक्स बार कितना, इसका क्यूब चढ़ा देंगे 1000 का, तो 1000 का क्यूब कितना होता है, 10 कितना सेंटीमीटर हमारा तीसरे गोले की क्या आया, त्रिज्या निकल गया, जो कि ऑप्शन में हमारा दिया हुआ सी नंबर हमारा ऑप्शन है। दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि गोले का पृष्ठ क्षेत्र 346.5 cm² है तो उसकी त्रिज्या होगी, उसकी त्रिज्या मैंने त्रिज्या पूछ रहा, पाए का भेद दिया 22/7, तो हम सीधे क्या करते हैं, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल पाई 4πr² होता है, ठीक है। तो 4πr² है तो 4πr² इजकल टू कितना दिया हुआ, 346.5 इतना दिया हुआ। अब सीधे क्या करते हैं, पाई का वैल्यू पुट करते हैं, 4×22/7×r² = 346.5, 5 हटाएंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, इसको आप काट कीजिए, काट करते हैं 11 बार में, 11 + 3 = 33, 1 बचा 11 + 1 = 11, 5 बचा 11 + 5 = 55, 11 × 11 = 22, ठीक है। अब देखिए 5 बार में काटिए, 6 + 30 = 15, अब 5 × 10, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, R² क्या हो जाएगा, 63×7/4×8×2 आया। अब R² कितना, गुना करेंगे तो कितना जगह, 41 441/8×16। अब R² क्या हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा, तो 441 का स्क्वायर का रूट कितना होता है, रूट कितना हो जाएगा इसका, 21/4, 16 का 4 हो जाएगा, और इसका इतना हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, तोड़ दीजिए इसको, 5×20 1 बचा 4×8 अब 5×20
इतना सेंटीमीटर हमारा इसका रेडियस निकल गया, जो कि हमारा किस में दिया हुआ, सी नंबर हमारा ऑप्शन में है। ये बोलना दोस्तों आपसे ये बोलना चाहते हैं कि आप अपना कैलकुलेशन पावर को ना थोड़ा बढ़ाइए, क्योंकि मेंसुरेशन और ये आयतन के जो फॉर्मूले होते हैं इसमें ना कैलकुलेशन बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आपका स्क्वायर क्यू का वैल्यू हमेशा याद रखना पड़ेगा, तो उसको याद रखें। चलिए आगे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 1 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले 3 गोले को पिघलाकर एक नया गोला बनाया गया, तो उस नए गोले की त्रिज्या कितनी होगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, नया गोला पूछ रहा है, तो इसका हम नए गोले का आयतन निकालते हैं, नए गोले का आयतन मतलब सभी को इसको तीनों गोले को प्लस करेंगे तभी तो नया गोला निकलेगा, तो क्या हो जाएगा, 4/3 π r1² + r2² q ये तीनों को हम प्लस कर दिए, 4/3 π r1 है, 1 है 1 का q 6 का q + 8 का q। ठीक है, अब देखिए पाई का हम वैल्यू लास्ट में रखेंगे, अभी नहीं रखेंगे। ठीक है, 4/3 π इसका क्या हो जाएगा, 1+6 का बताए थे आपको 216 बताए थे और 8 का 512 इसका क्यूब होता है। ठीक ना, अब देखिए इसको जोड़ते हैं कितना हो जाएगा, 4/3 π 2 6 8 1 9 ठीक, 1 1 2 और 5 2 7 इतना आया। देखिए ये इतना आया, लेकिन हम अब क्या करते हैं, ये देखिए ये किसका घनमूल का वैल्यू है। ठीक है, तो देखिए 9 का करते हैं, 9 को 3 बार गुना करेंगे, 9 को 3 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 81 81 9 729 इतना आ जाएगा। तो सीधे बैठा दीजिए 4/3 π 9 का q, तो यहाँ पर 9 का q किसका वैल्यू रहता है, r का वैल्यू रहता है, त्रिज्या का वैल्यू रहता है, तो सीधे लीजिए तो r = नए गोले के त्रिज्या का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा। ठीक, जो कि ऑप्शन में ए नंबर दिया हुआ। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ठोस अर्धगोले का आयतन 16404 सेंटीमीटर क्यूब है, तदनुसार उसका ठोस वृत्तीय क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए अर्धगोले के पूछ रहा है, ठीक है, तो अर्धगोले के फॉर्मूला आपको क्या बताए थे। ठीक है, तो ठोस अर्धगोले का आयतन कितना दिया है, 19404 दिया है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 π r³ 19404। ठीक है, अब इसको आप कट कीजिए, कैसे कट करेंगे, पहले पाई का वैल्यू पुट करते हैं, 2/3 22/7 × r³ इजकल टू 19404। इसको 11 से कट करेंगे, 11 × 2 = 22, 11 × 11 = 8 बचेगा, 11 से 77 कितना बचेगा, 7 बचेगा, फिर 7 में यहाँ 0 होगा तो 11 × 66 4 बचेगा, 11 × 44 मतलब कि 17 से 64 बार में ये हमारा कट जाएगा। ठीक है, अब इसको फिर से काटिए, ये तो 2 × 2 = 4 हो गया, 4 से इसको काटते हैं, 4 × 16 1 × 4 = 16 1 × 4 = 4। ठीक है, तो ये दोनों से भी कट गया, तो कितना बचा, r³ = कितना होगा, 441 × 7 = 21। ठीक है, तो 441 किसका वर्गमूल है,
21 का 21 गुने 21 करेंगे तो 441 होगा, और 21 दिया हुआ तो आर स्क्वायर निकालें तो क्या इस पर क्यू आ जाएगा, 21 गुने 21 गुने 21 यहाँ क्यू लिख दीजिए। अब इसमें से जो है एक निकल जाएगा 21 हमारा तो इसका रेडियस निकला, ठीक है ना, अर्ध गोले का गोला का हमारा रेडियस 21 सेंटीमीटर निकला, ठीक है। अब क्या कर रहा है, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, है ना, तो हम निकालते हैं कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं, कैसे होगा, थ्री पाई आर स्क्वायर, इसको बताया था फॉर्मूला आपको, थ्री गुने पाई 22/7 गुने 21 गुने 21, ठीक है, 21 से इसको काटे 27, ठीक है, इसको गुना करेंगे 3×3=9 गुने 22 गुने 21, ये तीनों को गुना करेंगे तो सीधे हमारा कितना आ जाएगा, गुना कीजिए 22 21 में 2×2=4, 4×6=2, ठीक है, ठीक है, 9×4=6=2 इतना आया। अब इसको गुना करने के बाद 9×2=18, 9×6=54, 54×1=55 हाथ में 5 और 9×4=36 और 5 कितना होता है, 36×5=41, 41 इतना हमारा है 41.58 आया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि इसका क्षेत्रफल निकाल रहे थे, तो कौन सा होगा हमारा, ए नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों आज का ये टॉपिक आपका गोला का यहीं समाप्त होती है, आपसे फिर अगला टॉपिक मिलेंगे, बाय।